Welcome back to my channel. I hope you are doing well. Recently, बहुत ज़्यादा rising concern है UK visa applicants के कि UK के visa refusal बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और statistics ये दिखा रहे हैं कि UK में 2023 में तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा UK visa applications reject हुई हैं. तो जो बहुत ज़्यादा confusion है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा problem है जो कि student visa, partner visa या work visa के लिए apply करते हैं. वो अक्सर पूछते हैं कि ये यूके डिसीजन ऑफिसर्स ये किस तरह से असेस करते हैं. वो क्वेश्चंस करते हैं जैसे यूके के वीज़ा ऑफिसर डिसीजन इस पे कैसे बनाते हैं, मेरा अगर जो पुराना यूके का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है क्यों रिजेक्ट हुआ है, या जो पुराना वीज़ा एप्लीकेशन मैंने डाला था क्या वो नए वीज़ा एप्लीकेशन पे इफेक्ट पड़ेगा इसका, और यूके वीज़ा ऑफिसर क्या सोचेगा कि एप्लीकेंट्स को क्या सोचना चाहिए. तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि यूके के वीज़ा ऑफिसर कैसे अपना डिसीजन बनाते हैं. इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग क्यूरियस है और कंफ्यूजिंग भी है, तो मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है. लेकिन मेक श्योर करें कि आप एंड तक देखें. लेकिन इसको शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब, और लिंक में इंस्टाग्राम है उस पर मैसेज कर सकते हैं यूके वीज़ा इमिग्रेशन के, यूके वीज़ा एडमिशन के हवाले से. तो यूके वीज़ा ऑफिसर कई फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि क्या वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे आपके वीज़े. जैसे आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस हो गई, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, बैंक स्टेटमेंट हो गई, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री हो गई, और आपका पर्पस क्या है यूके में आने का. और इसके साथ साथ वो ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि क्या अगर आपकी स्टडी या जिस पर्पस के लिए गए हैं उसके बाद आप यूके छोड़ के वापस अपनी कंट्री जाएंगे. आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री को चेक करते हैं, अगर आपके प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल है या आपने कोई वायलेशंस की ओवर स्टे हुए हो, सारी चीज़ें ये देखते हैं. तो इसलिए जो डिसीशंस होते हैं ना वो एप्लीकेंट्स की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करें कि भाई हाँ आप जिस वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं और आप एलिजिबल हैं इस वीज़ा के लिए, और जो भी यूके के इमिग्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस है आप इन पे पूरा उतरते हैं. जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें सिर्फ ये देखते हैं कि आप क्या यूके वीज़ा के लिए एलिजिबल है या नहीं. जो एलिजिबिलिटी है वो आप जो जिस वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप यूके वीज़ा इमिग्रेशन की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं. स्टेप टू में वो असेसमेंट करते हैं. जब आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो जाती तो आपके एप्लीकेशन असेस करते हैं यूके वीज़ा ऑफिसर. तो वीज़ा ऑफिसर आपका एप्लीकेशन रिव्यू करता है और आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या आप सारी रिक्वायरमेंट्स पूरे कर रहे हैं या नहीं. वीज़ा ऑफिसर जो है वो बहुत ज़्यादा और फैक्टर्स को भी देखते हैं, जैसे आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री हो गई, आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेज हो गई, और आपके होम कंट्रीज में टाइज कैसे हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री हो गई, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अगर आपके हैं वो भी डेटाबेस पे चेक कर सकते हैं. अगर आप पूछते हैं कि कुछ ऐसा क्वेश्चन करे, कोई ऐसी बातें करे जिसका आप सोचते हैं कि उनके पास आंसर नहीं होगा, तो ये भी गलत है क्योंकि उनके पास गूगल एक्सेस होता है. गूगल एक्सेस में फ़ौरन गूगल में वो सारी चीज़ें आपके बारे में सर्च कर सकते हैं. जैसे वो आपसे पूछ सकता है आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, आपके कोर्स के बारे में, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, आपकी अकोमोडेशन कहाँ पर है. तो वो एक तो उनके पास सारी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा जो वीज़ा एप्लीकेशन आपने फिल किया होता है ना वो पूरा उनके पास होता है. और अगर आपने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया होता है तो जो यूनिवर्सिटी होती है उसका जो कैश लेटर होता है वो भी उनके साथ होता है. तो सारी चीज़ें चेक करते हैं, तो वो मेक श्योर कराते हैं कि भाई जो वीज़ा एप्लीकेशन फिल किया है वो आपने वाकई में फ़िल किया है और ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑथेंटिक है या नहीं. तो अगर आप इवन इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर अपेयर हो जाए उसमें भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछ सकता है वो. तो जैसे मैंने कहा गूगल सर्च होता है उनके पास, गूगल से वो फ़ौरन मालूमात हासिल कर सकता है कि आपकी कहाँ पे है, आपकी एकोमोडेशन कहाँ पे, उसका एड्रेस क्या है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है, एंड यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ और जनरल इन्फॉर्मेशन हो वो पूछ सकता है. इसके बाद ये सारी चीज़ें जब देख लेता है वीज़ा ऑफिसर, उसके बाद वो आता है आपके डिसीशन पे कि आपको वो वीज़ा देगा या रिजेक्ट करेगा, या आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है. अगर वीज़ा ऑफिसर आपको कर देता है वीज़ा तो आप यूके ट्रैवल करने के लिए एलिजिबल होते हैं. अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होते कि आप ट्रैवल करें. तो फिर आप वहाँ पे क्या करते हैं कि आप वहाँ पे फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जा सकते हैं. उसमें तकरीबन 45 डेज लगते हैं. अगर आपको लगता है कि मेरी गलती नहीं है, वीज़ा ऑफिसर की गलती है, तो फिर आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं. तो ये कुछ फैक्टर्स है जो मैं आपको बताऊंगा जो कि यूके वीज़ा ऑफिसर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं. वो कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे
आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, क्या आप सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहे हैं जो भी वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री, क्या कभी आप ओवरस्टेड हुए हैं या आपका वीज़ा कभी रिजेक्ट हुआ है, ये सारी मालूमात उनके पास होती है। आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस, क्या आपका बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन है और सपोर्ट कर सकते हैं अपने आप को यहाँ पे, और जो आपके टाइज है यूके में, क्या आप वापस अपनी कंट्री जाएंगे या नहीं, ओवरस्टे करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कि वो कौन सी स्टेप्स आप कर सकते हैं जिसमें आप अपने यूके वीज़ा हासिल करने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप करें तो आपका वीज़ा के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर वन, मेक श्योर कि आप एलिजिबल है जिस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नंबर टू, एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली अप्लाई करें और पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सबमिट करें। एप्लीकेशन जो है वो कोशिश करें खुद से फिल करें, अगर खुद से फिल नहीं कर सकते किसी दूसरे के साथ फिल करें, लेकिन मेक श्योर आप डबल चेक करें कि सारे इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सही है। अगर आपका पर्सनल स्टेटमेंट है तो वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपके इंटरव्यू आता है तो उसको ज़रूर याद रखें। कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछने हो वो आप प्रिपेयर हो के चले जाए अगर आपका इंटरव्यू हो, और कोशिश करें कि जितना ऑनेस्ट हो आप अपने एप्लीकेशन के बारे में ऑनेस्ट रहे, झूठ बोलने से गुरेज करें क्योंकि उनको पता लग जाता है। अगर आपका इंटरव्यू आया है तो कोशिश करें कि आप वेल ड्रेस्ड हो अच्छी तरीके से, और आप रिस्पेक्टफुल हो, जो भी इंटरव्यूअर हो आप बड़े रिस्पेक्ट से उनसे पेश आए, टाइम पे इंटरव्यू के लिए आना चाहिए अगर आपका इंटरव्यू है। और अगर ये सारी चीज़ें और टिप्स हो, स्पेशली अगर आपका बैंक स्टेटमेंट जो है वो जेन्युइन हो, तो ऐसा कोई चांस ही नहीं कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करे। तो ये जो सारी प्रोसेस थी मैंने आपको बताई, और ये की पॉइंट्स है जो कि यूके वीज़ा ऑफिसर अपने अकाउंट में लेता है जब वो आपका वीज़ा प्रोसेस करता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह से यूके वीज़ा प्रोसेस काम करता है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फ्री वीज़ा प्रोसेस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।